आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता पर सुनवाई करना मंजूर कर लिया। हालांकि अक्टूबर में यह सुनवाई शुरू होगी। संवैधानिक पीठ यह सुनवाई करेगा जिसमें 5 जजों की बेंच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रेस की आजादी पर भी केंद्र से सवाल का जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी। येचुरी ने सीपीएम नेता तारीगामी से मिलने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ तारीगामी से ही मिलेंगे, किसी और से नहीं मिल सकेंगे। तो ये इजाजत सशर्त दी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये भी कि 370 हटाने की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, और इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि संवेदनशील मामला है, नोटिस ना ले, नोटिस का फायदा क्योंकि दूसरे देश भी उठाएंगे। तो कई अहम जानकारियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल रही हैं। सीजेआई ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसमें कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। एक तरफ सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई ये भी कह रहे हैं कि हमने आदेश जारी कर दिया है और आदेश बदलेगा नहीं। प्रेस की आजादी को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर को यह नोटिस, 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। हालांकि नया देखिए, आज जो इनपुट्स हमारे रिपोर्टर्स ने भी कश्मीर से भेजे, कम से कम 23 दिन के बाद आज कश्मीर में पूरे अखबार छपे हैं, पूरे पेज जिसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट यहां पर बेहद गंभीर और संजीदा हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे, और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सर, केंद्र सरकार ने ये बोला है कि नोटिस ना जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करिए, हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं, इसको यूएन में कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगे अक्टूबर में, और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर वकीलों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब पूरे मामले की सुनवाई की तो क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और ये कहा गया है कि जो प्रेस की आज़ादी है उसे लेकर उन्हें जवाब सौंपने होंगे। हालांकि जो सुनवाई है इस पूरे अनुच्छेद 370 को लेकर, उसमें 5 जजों की एक बेंच का गठन किया गया है और ये अक्टूबर में सुनवाई शुरू होगी। हालांकि प्रेस की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इससे पहले जब प्रेस ने श्रीनगर जाना चाहा था तब एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोका गया था। ये हवाला दिया गया कि था कि वहां पर धारा 144 लागू है, ऐसे में वहां पर नहीं जा सकते प्रेस के लोग। ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द यानी कि 7 दिन के भीतर ये जवाब दाखिल किया जाए। 370 की वैधता पर सुनवाई अक्टूबर में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो सीताराम येचुरी ने इजाजत मांगी थी वो इजाजत अब दे दी गई है, लेकिन ये सशर्त इजाजत है। कोर्ट ने कहा है कि वो सिर्फ अपने दोस्त तारगामी से मिलेंगे और उसके बाद उनकी वापसी हो जाएगी। आपको ये बता दें कि धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। वहां पर अब जो स्कूल हैं वो खोले जा रहे हैं। हालांकि श्रीनगर से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा गया है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों तक पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसी टेलीफोन लाइन्स हैं जो अब खोल दी गई हैं, कई टेलीफोन एक्सचेंज हैं जहाँ से अब ताला हट चुका है, लेकिन अब भी यानी कि 23 दिन बाद भी वहां पर पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हुए हैं। सीजेआई का ये कहना है कि हम जानते हैं हमें क्या करना है, कोई हमें ना बताए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से फैसले लेने हैं। और साथ ही सीजेआई ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई शुरू होगी, अक्टूबर में सुनवाई शुरू की जाएगी। संजय शर्मा इस पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, बहुत अहम जो है ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से मिल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि नोटिस ना जारी करें, इसका फायदा दूसरे देश उठा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम आदेश जारी कर चुके हैं। डिटेल्स इस पर।
जी हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन याचिकाओं तक मैं वहाँ कोर्ट में मौजूद था, जिसमें सबको राहत दी गई। जिसने कहा कि मेरे माँ बाप से मुझे मिलना है वहाँ पर, मुझे पता नहीं चल रहा, कोर्ट ने उनको भी बोला कि आप जाइए और वहाँ जाकर मिलकर आइए और हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने मुलाकात की या नहीं। इसके बाद सीताराम येचुरी की याचिका आई, उसमें भी ये कहा गया कि हाँ सीताराम येचुरी वहाँ अपने विधायक से मिलने जाना चाहते हैं, कोर्ट ने उसकी भी इजाज़त दी है। इसके बाद एमएल शर्मा की याचिका आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को उन्होंने चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इसमें आप सुन सकते हैं लेकिन नोटिस जारी ना करें। लेकिन कोर्ट ने इससे भी इस मांग को भी नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने न केवल नोटिस जारी किया बल्कि ये कहा कि ये संविधान पीठ का मसला है और संविधान पीठ इसमें सुनवाई करेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में संविधान पीठ के जजों की घोषणा हो जाएगी और उस पीठ के गठन के साथ ही ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, यानी बहुत अहम है। इस पर एसजी ने कहा कि अगर इस पर नोटिस करते हैं तो दूसरे देश, पड़ोसी देश यानी वो इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को भी नजरअंदाज कर दिया। और संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट इसमें आगे किस तरह से फैसले ले सकता है, क्योंकि जो पांच जजों की बेंच का गठन किया गया है उसकी सुनवाई तो अक्टूबर में होगी, तब तक कोर्ट के पाले में क्या कुछ है, किस तरह से वो फैसले ले सकती है? जो संविधान के मसले से जुड़े हुए मामले हैं, यानी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया, जिन याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई, राष्ट्रपति की के द्वारा जारी अधिसूचना यानी 356 के तहत उसे चुनौती दी गई, उसे तो संविधान पीठ सुनेगी। लेकिन जो ऐसे मसले हैं जिनमें कर्फ्यू हटाने की बात है, जिनमें कोई आदमी यहाँ पर दिल्ली में है और अपने माँ पिताजी से या राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलने जाने चाहते हैं, उसमें तो कोर्ट ने व्यवस्था दे दी है, उसकी सुनवाई अगले दिन, अगले कुछ दिनों बाद कोर्ट तय कर देगा कि आखिर उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, क्या वो अपने परिजनों से मिल पाए, जिन लोगों को ये ग्रीवेंसेस थी उन लोगों को क्या राहत मिल पाई। और कर्फ्यू हटाने को लेकर जो मामले हैं उसमें तो कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े हुए मामले हैं उसमें कोर्ट अगले अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा जब संविधान पीठ आएगी। संजय एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे इस मामले को। देखिए जब 370 को हटाने का फैसला सरकार ने किया उसके बाद से ही ये होने लगा था कि कोर्ट का रास्ता अब लोग अपनाएंगे, लेकिन कोर्ट ने फौरन सुनवाई से उस समय भी इनकार कर दिया था कि फौरन सुनवाई नहीं, तय समय पर ही सुनवाई होगी। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते तक में भी जो है और समय मिल गया है, लिहाजा जो ये बीच का समय है इस पर स्टेटस को बना रहेगा, यानी केंद्र सरकार जैसे फैसले ले रही है वो उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे या कोर्ट इस मामले पर भी कुछ कर सकता है? हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या तब तक जब तक ये मामला संविधान पीठ में आएगा तब तक स्टेटस को यानी जो नई व्यवस्था है केंद्र सरकार ने की है क्या वो बनी रहेगी? देख लीजिए आज ये 17 पिटिशंस लगी थी, उसमें दो पिटिशंस से हैबस कॉर्पस, एक तो यूसुफ तारिगामी की तरफ से फाइल हुई थी और दूसरी हुई थी मोहम्मद अलम की तरफ से, उनको भी ऑर्डर हो गया कि आप जा सकते हैं लेकिन वहाँ कोई पॉलिटिक्स ना करें, आप एक अंडरटेकिंग दे दें सुप्रीम कोर्ट में, आप सिर्फ उनको मिलने जा रहे हैं अपने रिलेशंस के लिए, एक यूसुफ तारिगामी साहब को मिल रहे हैं अपने रिलेशंस को मिल रहे हैं। ये दो पिटिशंस थी, दो पिटिशंस और थी जो मिस बसीन ने फाइल की थी, उस पर भी हुआ कि नोटिस हो गया और रिस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए या उस पर कोई बहस नहीं हुई, उसके रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस पर कोई बहस नहीं हुई। जो 15 पिटिशंस थी जो जिस पर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 35A और संवैधानिक मसलों पर था, ये तीन जजेस में इसमें इतनी सुनवाई ज़्यादा नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब ने बोल दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी, क्योंकि हम इसको इन पिटिशंस को अपोज कर रहे थे कैवियटर की तरफ से, डॉक्टर चारूवली खन्ना और रूट्स इन कश्मीर में तरफ से अपीयर हो रहा था, मैंने कहा कि हमको इसमें सुनवाई दे क्योंकि हम 30 साल से अपने घर से बाहर है और हमको भी इसमें सुनवाई दे। चीफ जस्टिस सब ने हर एक को बोल दिया हम सुनेंगे इसको अक्टूबर में सुनेंगे। और ये आज एक अच्छा पॉइंट हुआ कि कोई स्टे नहीं मिला, जब उन्होंने ऑलरेडी स्टे मांगा था, इसमें स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं दिया। इसका मतलब है कि वहाँ जो 5 अगस्त 2019 की है उसके बाद जो नोटिफिकेशंस और प्रोमोगलेशन आई है वो बरकरार रहेगी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू कश्मीर अब नहीं रहेगा, यानी व्यवस्था जो 5 अगस्त से है वो व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने जरूर कहा है कि सरकार इसमें देखी कि कैसे पाबंदियों पे और कर्फ्यू पे ढील दी जा सकती है, कैसे व्यवस्था को सुचारू चलाया जा सकता है। संजय एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, हालांकि ये बहुत हद तक संवैधानिक मसला हो गया है, लेकिन एक फैसला जो संसद से हुआ उसे कोर्ट में अब चैलेंज किया गया और इसी बात की चर्चाएं पहले भी थी, लेकिन कोर्ट में चैलेंज होने के बाद 370 हटाने का जो फैसला है वो किसी भी सूरत में क्या पलट सकता है या इसका आगे भविष्य क्या हो सकता है?
ये तो कोर्ट ही तय करेगा उसमें, लेकिन जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, ये फैसले की बात नहीं, ये प्रक्रिया की बात है। इनका कहना याचिकाकर्ताओं का कि जो प्रक्रिया है वो तय प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई, उसमें खामियां हैं, लिहाजा अगर बिना तय प्रक्रिया के फैसला लिया है तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। कोर्ट इसकी जांच करेगा। कोर्ट को फैसले से मतलब नहीं, कोर्ट को प्रक्रिया से मतलब है। अगर प्रक्रिया खामी वाली हुई तो कोर्ट उस पर व्यवस्था दे सकती है। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार यानी AG SG और तमाम सरकारी अमला इस बारे में क्या जवाब देता है, सरकार इसको कैसे तर्कसंगत बताती है, संविधान संगत बताती है, विधि सम्मत बताती है, ये सरकार के ऊपर है। यानी देखना सचमुच बहुत दिलचस्प होगा कि जो अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या संविधान में वर्णित प्रक्रिया को फॉलो किया गया हूबहू, या उसमें कोई शॉर्टकट अपनाया गया, या उसमें कोई ऐसी मनमानी की गई, इसकी जाँच कोर्ट करेगा। याचिकाकर्ता अपनी तरफ से जो बता रहे हैं कि प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई, इनका कहना है कि वो सरकार, राज्य की सरकार ही उस पर तय कर सकती है। लेकिन जो राय मिली सरकार को संविधान विशेषज्ञों की, उनका यह कहना था कि मौजूदा जो भी सरकार है, चाहे वो राज्यपाल की सरकार हो, वो सरकार भी तय कर सकती है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह आधार लिया कि मौजूदा जो भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है, विधानसभा चूंकि अभी एक्शन में नहीं है, लिहाजा राज्यपाल की सरकार को ही यह अधिकार दिया गया, और राज्यपाल को यह अधिकार है इसको हटाने के लिए आदेश करने का और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करने का, वही किया गया है। लेकिन अब कोर्ट संविधान की रोशनी में ये देखेगा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है क्या वो संविधान सम्मत, विधि सम्मत है, या उसमें कहीं कोई खामी है। बस ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। संजय शर्मा हमें सुप्रीम कोर्ट से